शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन में बहुत भक्त कमाए। अपने जीवन में साईं ने कई चमत्कार किए जो आज भी पहेली बने हुए हैं। शिरडी के साईं मंदिर का द्वारका माई वो स्थान है जहां साईं बाबा भोजन बनाते थे, वहीं पर धूनी रमाते थे और उसी धूनी का प्रसाद लोगों को देते थे। कहा जाता है कि साईं की धूनी की भभूत से लोगों के दुख दर्द दूर होते थे। समाधि लेने से पहले भी बाबा बटुए में हाथ डालकर अपने भक्तों को सोने चांदी के सिक्के देकर उनके दुखों को दूर किया करते थे। उस समय अंग्रेज शासकों ने साईं बाबा के इस चमत्कार की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन वो चमत्कार आज भी एक पहेली बना हुआ है। आज हम आपको साईं बाबा के कुछ अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। 14 साल पुराना पेट दर्द ठीक किया। मध्य प्रदेश के हरदा गांव के एक निवासी दंतो पंत जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वे लगभग 14 वर्षों से पेट दर्द की पीड़ा से परेशान थे। उन्होंने हर तरह का इलाज कराया, लेकिन उनकी पीड़ा का समाधान नहीं हुआ। साईं बाबा की प्रसिद्धि की चर्चा सुनकर वे भी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुँच गए। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा कि बाबा, इस पेट दर्द ने मुझे इतना परेशान करके रख दिया है कि अब मैं दर्द सहन करने लायक ही नहीं रहा, कृपया करके मेरी पीड़ा कम करिए। बाबा ने दंतोपंत के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अच्छे हो जाओगे। फिर बाबा ने उन्हें उदी भी दी। बाबा के आशीर्वाद और उदी प्रसाद से वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए और फिर उन्हें भविष्य में कभी कोई रोग नहीं हुआ। निसंतान भक्त के घर पैदा हुआ पुत्र। एक गांव में गोपाल राव नामक एक इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर ने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक से भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान न हो तो जीवन व्यर्थ ही है, यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि नौकरी छोड़ देंगे और सभी धन संपत्ति को 4 पत्नियों के बीच बांटकर वे संन्यास ले लेंगे। फिर गोपाल राव के एक मित्र ने उसे शिरडी जाने को कहा। गोपाल राव अपने उस मित्र के साथ शिरडी पहुँचे। शिरडी पहुँचकर गोपाल राव ने साईं बाबा को अपनी व्यथा सुनाई और उनका आशीर्वाद लिया। साईं बाबा ने गोपाल राव को आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन भी दिया। बाबा के आशीर्वाद के ठीक 9 महीने बाद गोपाल राव के यहाँ शहनाइयाँ बजी और उनकी मन की मुरादें पूरी हुई। तात्या बना धनवान। शिरडी में साईं बाबा ने सबसे पहले वायजा बाई के घर से ही भिक्षा ली थी। वायजा बाई की एक ही संतान थी जिसका नाम तात्या था। तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। वायजा बाई ने यह निर्णय कर लिया था कि साईं बाबा के लिए खाना बनाकर रोज द्वारका माई जाकर खुद उनको खाना खिलाएगी, पर वायजा बाई बहुत गरीब थी। उनका बेटा तात्या जंगल से लकड़ियां काटकर और लकड़ियों को बेचकर अपना घर चलाते थे। एक दिन साईं बाबा तात्या को उसके घर लेकर गए। साईं बाबा सीधे वायजा बाई की कोठरी में जा पहुंचे, जहां वायजा बाई सोती थी। साईं बाबा ने तात्या से एक फावड़ा लाकर उस कमरे के किनारे की खुदाई करने को कहा। तात्या ने अभी 3-4 फावड़े मारे ही थे कि तात्या को एक कलश मिला जिसमें सोने के मूल्यवान जेवर हीरे थे। साईं बाबा ने तात्या से कहा कि ये तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है जो तुम्हारे भाग्य में लिखी थी, इसे संभाल कर रखो और समझदारी से खर्च करना। वायजाबाई और तात्या की आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। जेब में पैसा। एक बार एक बूढ़ा रोता हुआ साईं बाबा के पास आया और बूढ़े व्यक्ति ने साईं से कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है, मेरे पास उसके कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं है। मैं कई जगह गया लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। साईं बाबा ने हंसते हुए कहा कि जब तुम्हारे पास स्वयं ही इतने सारे रुपए हैं तो कोई तुम्हारी मदद क्यों करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने गिड़गिड़ाकर कहा कि बाबा, मेरे पास तो इस समय फूटी कौड़ी तक नहीं। साईं बाबा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। साईं बाबा ने कहा, अपनी जेब में हाथ डालो। जब उस बूढ़े ने जेब में हाथ डाला तो अचानक ढेर सारे नोट निकल आए। वो हैरानी से देखता रह गया। बाबा ने कहा कि अब जाओ और अपना काम करो। वो बूढ़ा साईं बाबा की जय जयकार करता हुआ चला गया। साईं बाबा का
और एक चमत्कार देखकर उनके सारे शिष्य जय जयकार करने लगे। डॉक्टर के साथ चमत्कार। एक बार एक डॉक्टर किसी साईं भक्त के साथ शिरडी इस शर्त पर आए कि वे श्री साईं बाबा के आगे शीश नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उनके इष्ट देवता श्री राम हैं। श्री राम के अतिरिक्त वे किसी के आगे शीश नहीं झुकाते। दोनों किसी तरह शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई गए। तभी डॉक्टर बाबा को देख उनकी चरण वंदना करने लगा। यह देखकर डॉक्टर का मित्र आश्चर्यचकित रह गया। बाद में जब डॉक्टर से पूछा गया कि आपने अपना निर्णय कैसे बदल दिया, तब डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें उनके इष्ट प्रभु श्री राम खड़े दिखलाई दिए, इसलिए उन्होंने उनका नमस्कार किया। जब डॉक्टर ऐसा कह रहे थे तब उनके सामने श्री साईं बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। तख्त क्षण ही श्री साईं बाबा को देख डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? आखिर ये साईं बाबा कैसे हो सकते हैं? अभी तो यहाँ प्रभु श्री राम खड़े थे। बाद में श्री साईं बाबा के प्रति डॉक्टर की भक्ति प्रगाढ़ हो गई। तूफान को रोक दिया। एक दिन गांव में भयंकर आंधी चली। आसमान काले बादलों से घिर गया। बिजली बड़े जोर से कड़कने लगी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। मूसलधार बारिश भी शुरू हो गई। सब लोग मस्जिद में इकट्ठा हो गए और उन्होंने बचाव के लिए बाबा से प्रार्थना की। बाबा तुरंत ही मस्जिद के बाहर आकर आसमान की ओर देखकर जोर जोर से गरजने लगे। बाबा की गूंज के साथ थोड़ी देर में हवा का जोर कम हो गया। बारिश का शोर भी थम गया। आसमान में तारों के साथ चांद भी चमकने लगा। सभी गांववासी अपने घर लौट गए। चिमटे से रोकी आग। एक दिन बाबा के धुने की अग्नि भड़क गई और उसकी लपटें इतनी ऊपर तक होने लगी कि लगा कि अब बस इस लपट में मस्जिद जलकर राख हो जाएगी। कुछ देर बाद भक्तों की बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए बाबा ने अपना चिमटा उठाया और धुनी के पास वाले खम्बे पर जोरदार प्रहार करते हुए बोले, शांत हो जा। इस तरह हर प्रहार के साथ अग्नि की लपटें धीमी हो गई। इस तरह बाबा ने अपने चमत्कार से आग को भी शांत कर दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।